तो आज का टॉपिक है फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आइए शुरू करते हैं, मैं मनोज। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है फास्ट मल्टीप्लिकेशन, तो इसका ये है कि हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि ये टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें देखते हैं हम कि किस रूल से, चाहे आप इधर से शुरू करें चाहे इधर से शुरू करें, आप किसी तरफ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इस टू डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में आप इसको याद रखिएगा कि ये सीधी हो गई, फिर ये क्रॉस हो गया और फिर ये सीधी हो गई। इसमें इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको 3-1 का इंटू करना है। 3-1 का इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 6 1 6 हो जाएगा और 4 3 12, तो 6 और 12 हो जाएगा 18। तो 18 का 8 हम यहाँ लिख देंगे और 1 को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर हमको यहाँ पर 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है 4 से। तो 6 का मल्टीप्लिकेशन जब 4 से करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 हो गया और एक ये हो जाएगा 24। तो अब इसको हम ऐड कर देते, 3 8 और ये 1 इधर से आया था तो ये 1 हो गया, 24 और 1 25, तो ये आपका आंसर हो गया। केवल 5 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से हम, ये तो छोटा था, इसको हम किसी भी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। जो बड़े मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें हमको थोड़ा दिक्कत होता है, दिक्कत क्या, समय ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या, तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो रूल रहेगा उसमें पहले सीधा करेंगे, फिर क्रॉस, फिर उसके बाद ऐसा कर देंगे, क्रॉस के बाद बीच वाला, और फिर उसके बाद क्रॉस, और फिर उसके बाद सीधा। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले सीधा सीधा करेंगे तो 6 6 4 जा 24 होता है, ठीक है। तो ये 24 लिख देते हैं। अब उसके बाद फिर क्रॉस कर देते हैं तो 6 1 जा 6 और 4 4 जा 16, तो 6 और 16 हो जाएगा 22 22 लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये क्रॉस और फिर बीच का सीधा, तो 6 9 54 हो जाएगा, 54 और 8 6 32, तो 80 और 86 86 और 4 86 और 4 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर क्रॉस करते हैं तो 9 4 जा 36 36 और 8 44, तो ये 44 लिख दिए। अब उसके बाद फिर बचा ये सीधा सीधा का, तो ये क्या कर देते हैं, 8 9 जा 72, तो ये हो गया 72। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करेंगे, ये 4 ले लेते हैं 4, और ये जो 2 है ये आगे पास हो जाएगा, तो 22 और ये 2 हो जाएगा 24, तो 4 लिख देते हैं, 24 का 4 लिख दिए, 2 फिर पास हो जाता है तो 92 और फिर 2 हो जाएगा 92, 90 और 2 92 हो जाएगा, तो ये 2 लिख देते हैं और 9 को फिर पास कर देते हैं, तो 9 को यहाँ पास कर देते हैं, तो ये 44 और 9 53 हो जाएगा, तो 3 लिख देते हैं और 5 यहाँ पास कर देते हैं, और ये हो जाएगा 72 और 5 77, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जैसे दिया हुआ है थर्ड वाला, इसमें आपको जो मैं बताया था अभी, सीधा फिर क्रॉस फिर उसके बाद क्रॉस और बीच वाला सीधा फिर उसके बाद क्रॉस और फिर सीधा, ये आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधा 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 इनटू कर लेते हैं, तो 9 2 जा 18, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, 9 3 जा 27 और 16, 27 और 16 हो जाएगा 43,
43 का 3 ये लिख दिए। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्रॉस और फिर बीच का सीधा, तो 5 2 जा 10, 10 और 54 64 हो जाएगा, और 64 और 8 3 जा 24, तो 64 68, 68 78 88, ये हो जाएगा 88। अब उसके बाद फिर क्रॉस कर देते हैं ये और ये, तो 8 6 जा 48 और 15, 5 3 जा 15, तो 48 और 15 हो जाएगा 63, और ये फिर सीधा बचा तो 6 5 जा 30। अब इसको हम लिख देते हैं, तो 18 का 8 यहाँ लिख देते हैं, एक इधर चला जाएगा, तो 43 और एक हो जाएगा 44, 44 का 4 लिख देते हैं और 4 इधर आ जाएगा, तो ये 92 हो जाएगा, 88 और 4 92 हो जाएगा, 92 का 2 लिख देते हैं और 9 आगे भेज देते हैं, तो 63 और 9 हो जाएगा 72, 2 इधर लिख दिए और 7 इधर चला गया, तो ये हो जाएगा 37। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें तो और भी सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये क्रॉस फिर ये क्रॉस, तो ये हो जाएगा क्रॉस और फिर हो जाएगा ये क्रॉस, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पर गलती ये हो गया कि पहले सीधा करेंगे फिर उसके बाद क्रॉस करेंगे, फिर क्रॉस करने के बाद फिर ये जो तीन तीन का है तो इसमें क्रॉस और फिर ये सीधा करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये क्रॉस फिर क्रॉस के अंदर क्रॉस, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसा क्रॉस, फिर उसके बाद ये सीधा हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद क्रॉस हो जाएगा और फिर सीधा, तो इतना आपको इसमें करना है। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, 3 3 1 पहले सीधा करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, 3 3 जा 9 और 1 1 जो 1, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 3 डिजिट का क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस और बीच का सीधा, तो 3 3 2 जा 6, 6 और 6 से 12, 12 और 3 12 और 3 15 हो जाएगा 15, फिर उसके बाद क्या करते हैं, 4 का कर देते हैं चारों, तो इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे या चार को जोड़ देते हैं, तो 2 और 9 3 27 29 हो जाएगा, 29 और 36 18 18 हो जाएगा, तो 29 और 18 हो जाएगा 37 47 और 2 49, तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। और 49 के बाद फिर कर देते हैं ये फिर से 3 का कर देते हैं, ये 3 इसका इससे और बीच का बीच से, 9 और 3 दूनी 6 15, 15 और 12 27 का ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि अब ये दोनों को क्रॉस कर देते हैं, 9 6 जा 54 और 54 और 4 हो जाएगा 58। अब इसमें क्या कर देते हैं, लास्ट वाला जो बचा इसको कर देते हैं, तो 9 2 जा 50। अब इसमें क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं और फिर 10 है तो 0 लिख देते हैं, आगे एक बढ़ा देते हैं, तो 15 और एक हो जाएगा 16, 16 का एक लिख देते हैं, एक इधर बढ़ा देता तो ये 50 हो जाएगा, 50 का 0 लिख देते हैं, 5 इधर कर देते हैं, तो 32 हो जाएगा, 32 का 2 लिख देते हैं, 3 इधर कर देते हैं, 61 हो जाएगा, 61 का 1 लिख देते हैं, 6 इधर कर देते हैं, 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल मेथड से ये ज़्यादा आसान है और जल्दी से जल्दी हो जाएगा, तो बस हमको यही करना है और कुछ भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे, तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी दोस्त इससे वाकिफ़ हों, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।